फ्रेंड्स, इस लेसन में हम लोग एम्फेसिस के बारे में बात करने जा रहे हैं। एम्फेसिस दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है। बेसिकली एम्फेसिस है क्या दोस्तों? जब हम अपनी कॉम्पोजिशन में या अपने डिजाइन में कोई एक ऐसा एरिया क्रिएट कर लेते हैं या डिफाइन कर लेते हैं जिसकी तरफ व्यूअर की यानी कि देखने वाले की तमाम तर अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो रही हो, तो इसको हम कहते हैं कि हमने अपने डिजाइन में एम्फेसिस का प्रिंसिपल अप्लाई किया। दोस्तों ये जो एरिया हमने बनाया अपने डिजाइन के अंदर जिसकी तरफ देखने वाले का ध्यान हमने डाइवर्ट किया है, इसको हम फोकल एरिया के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये जो एम्फेसिस क्रिएट करने का काम है ये बहुत सारे तरीकों से किया जा सकता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि हम एम्फेसिस के अंदर जो फोकल एरिया क्रिएट करते हैं वो एरिया होना चाहिए जिसमें हमारे डिज़ाइन का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है यानी कि हमारे डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट या थीम वो उस पोर्शन के अंदर उस एरिया में लाई कर रहा होना चाहिए, यानी कि वो वाकई में हमारे डिज़ाइन का इम्पॉर्टेंट तरीन एरिया होगा। अच्छा, इसके साथ साथ एक और अहम बात मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, आप लोगों ने एम्फेसिस क्रिएट करते हुए हमेशा ये बात याद रखनी है कि एक डिज़ाइन के अंदर एक से ज़्यादा फोकल एरियाज नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर हम मल्टीपल फोकल एरियाज अपने डिज़ाइन के अंदर क्रिएट कर देंगे तो जो देखने वाला है यानी कि हमारा जो व्यूअर है उसकी आय डिस्टर्ब हो जाएगी और उसको बिल्कुल समझ ही नहीं आएगा कि मैंने पहले किस चीज़ को देखना है और फिर उसके बाद किस चीज़ को देखना है। बेसिकली ये जो एम्फेसिस का जो प्रिंसिपल है इसके ज़रिए हम व्यूअर की जो आय है उसको ट्रैवल करवाते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर बहुत आसानी के साथ। तो चलिए अब बात करते हैं उन तरीकों की कि जिनके थ्रू हम बेसिकली अपने डिज़ाइन के अंदर एम्फेसिस को क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों एम्फेसिस आम तौर पे डिज़ाइन के अंदर कॉन्ट्रास्ट के थ्रू क्रिएट किया जाता है। जब मैं ये कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि ऑपोजिट चीज़ों को इस्तेमाल करके, मिसाल के तौर पे आप इस विजुअल को देखिए, यहाँ पे आपको कुछ ग्रे कलर के सर्कल्स नज़र आ रहे हैं और उनके बीच में एक रेड कलर का सर्कल है, तो बेसिकली कंट्रास्ट दे दिया और ब्रेक दे दी कलर के अंदर, और कलर में ब्रेक दे के एक खास जो सर्कल है उसको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बना दिया गया है यहाँ पे इस विजुअल में, इसको कहते हैं एम्फेसिस क्रिएट करना। इसी तरह से एक और मिसाल मैं आपको दिखाता हूँ, ये विजुअल देखें, इसके अंदर लाइट और डार्क की मदद से यानी कि वैल्यू की मदद से एम्फेसिस क्रिएट किया गया है। आप देख सकते हैं कि फ्रंट पे जो एक ब्लैक कलर का इमेज है वो ज़्यादा अटेंशन ग्रैब कर रहा है रादर देन के जो पीछे बैकग्राउंड पे ग्रे कलर के इमेजेस हैं उनकी नस्बत। अच्छा, इसी तरह हम बाजुकात किसी पैटर्न को ब्रेक करके भी एम्फेसिस क्रिएट कर सकते हैं। इसी विजुअल को देख लीजिए, यहाँ पे कुछ डिफरेंट आइकॉन्स हैं, इमोजीज हैं, जो कि ज़्यादातर आपको जो नज़र आ रहे हैं इस विजुअल में वो स्माइल के इमोजीज हैं, लेकिन बीच में एक सैडनेस का इमोजी दे दिया और उसका कलर भी चेंज कर दिया है। तो हो क्या रहा है, जब आप इस विजुअल को देखेंगे तो आपकी नज़र सबसे पहले इस सैड वाले रेड कलर के इमोजी पे पड़ेगी, ना कि उन येलो कलर के जो स्माइल वाले इमोजीज हैं उनके ऊपर। सो बेसिकली इस तरह से हम एम्फेसिस क्रिएट करते हैं। अच्छा, इसी तरह हम ऑब्जेक्ट्स के या अपने डिज़ाइन एलिमेंट्स के साइज को वेरी करके भी एम्फेसिस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप ये देखें इस विजुअल के अंदर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जो ऑब्जेक्ट है उसको बड़ा कर दिया गया है और इस तरह से उसकी तरफ ध्यान जो है वो बांट दिया गया है देखने वाले का। अच्छा, इसी तरह से एक और आपको तरीका बताता चलूँ, बाज़ुकात हम अपने जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कुछ इस तरह से प्लेस करते हैं या इस तरह से कैप्चर करते हैं कि उस प्लेसमेंट की वजह से वो फोकल एरिया बन जाते हैं हमारे डिज़ाइन का या हमारी फोटोग्राफ का। इस फोटोग्राफ को देख लीजिए, इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं कि मिट्टी है जो कि ब्राउन कलर की है और जो मिट्टी का एक प्रॉपर खूबसूरत रंग होता है, और उसके बीच में एक ग्रीन कलर का ये छोटे से कुछ दो तीन लीव्स की एक शाख निकली हुई है, एक छोटा नौजायदा पौधा जो है वो निकला हुआ है, और ये जो ग्रीन है इस ब्राउन के बीच में ये थोड़ा सा आइसोलेटेड फील हो रहा है और इसकी प्लेसमेंट कुछ इस किस्म की है कि इसकी प्लेसमेंट की वजह से ध्यान जो है वो पूरी पिक्चर के अंदर
पूरी फोटोग्राफ में डायरेक्ट इसी की तरफ जा रहा है। अच्छा चलें अब कुछ बात करते हैं प्योरली ग्राफिक डिजाइन के हवाले से एम्फेसिस की। दोस्तों इस पोस्टर को देखिए, ये एक मूवी पोस्टर है और आप देख सकते हैं कि इस मूवी पोस्टर के अंदर कलर को ब्रेक करके भी और उसके अलावा साइज के अंदर वेरिएशन लाके भी जो है वो एम्फेसिस हमने यहाँ पे क्रिएट किया है अपने डिजाइन के अंदर। इसी तरह से ये एक और पोस्टर देखते हैं, ये भी एक मूवी से रेलेवेंट ही पोस्टर है और आप देख सकते हैं कि कैमरा नजर आ रहा है आपको फोरग्राउंड में और उसके अंदर जो उसका लेंस है उसके अंदर आय बना दी गई है, आय की जो इमेज है वो दिखा दिया गया है और वो इमेज इतना मैग्नीफाई कर दिया गया है कि जब हम देखते हैं इस इमेज को पूरे पोस्टर को तो हमारा ध्यान सबसे पहले डायरेक्ट उस आय वाले पोर्शन पे जो वो लेंस वाली जगह पे है वहीं पे जाता है। तो इस तरह से हम पोस्टर्स के अंदर बेसिकली अपने किसी भी डिजाइन के अंदर जो भी हम आइटम्स प्रोड्यूस कर रहे हो डिजाइन में उनके अंदर हम एम्फेसिस क्रिएट करते हैं। एक वेबसाइट की मिसाल भी देख लेते हैं, ये देखिए ये एक वेबसाइट है एक इवेंट के हवाले से जो कि एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से एक इवेंट है और आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल सेंटर में करके बड़ा करके उन्होंने लोगो जो है वो क्रिएट किया और उसके नीचे इन्होंने डेट जो है वो रख दी है और यहाँ पे इन्होंने कलर की भी वेरिएशन दी है। बैकग्राउंड पे डार्क कलर्स हैं, ग्रेज और ब्लैक्स हैं, ब्लूज हैं, डार्क ब्लूज हैं और फोरग्राउंड पे प्योर वाइट यूज करके जो है इन्होंने एक एरिया यानी कि ये जो लोगो है और जो डेट है इसको इन्होंने फोकल एरिया बना दिया। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि डिजाइन के अंदर एम्फेसिस की किस कदर ज्यादा अहमियत है और हम डिजाइन को कितना इंटरेस्टिंग बना सकते हैं अगर हम जो प्रिंसिपल है एम्फेसिस का उसको फॉलो करें अपने डिजाइन के अंदर। तो आप लोगों को मैं ये रेकमेंड करता हूं कि आप लोग एम्फेसिस के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दें और आने वाले वक्त में जब आप लोग डिजाइन बनाएंगे तो आप इस प्रिंसिपल को यूज करके बहुत इंटरेस्टिंग डिजाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये लेसन जो है ये पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में किसी नए प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन के हवाले से बात होगी।